नमस्कार सर, मैं अमित सक्सेना डिस्क्राइब करना चाहता हूँ आपको कैमरों के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आजकल COVID-19 चल रहा है, तो आप सब अपना ख्याल रखिए, फैमिली की सेफ्टी करिए, मास्क एंड सैनिटाइज़र का यूज़ करिए और घर से बाहर मत निकलिए। स्टे होम एंड वर्क फ्रॉम होम, ये बहुत ज़रूरी है सर। और घर पे बैठे बैठे हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं जो करना चाहिए, हमें टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले आज एक बहुत ज़बरदस्त कैमरे के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि फ्यूज़ी फिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। फ्यूज़ी ने मिररलेस सीरीज़ में जो कदम रखा है, वो एक अच्छे कैमरों के, अच्छे क्वालिटी कैमरों के हिसाब से रखा हुआ है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि सबसे पहले फ्यूज़ी के ही रील आते थे और रील फ्यूज़ी के ही यूज़ होते थे कैमरों में, और उनका प्रिंट आउट होकर मार्केट में सर्कुलेट होता था, बिकॉज फ्यूज़ी के कलर के मुकाबले किसी के कलर नहीं है ओवरऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद XT30। आज XT30 के बारे में हम आपको बताएंगे। XT30 आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये XT30 है, XT30, और ये आपका फ्यूज़ी फिल्म का जो कैमरा है वो 26.1 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि सफिशिएंट है स्टिल के लिए, वीडियो भी आप कैप्चर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि XT30 जो है वो एक स्टार्टर कैमरा है, यानी अगर बिगनर भी कोशिश करें तो XT30 पर जा सकते हैं, ब्लॉगर यूज़ कर सकते हैं, वेडिंग में अगर नॉर्मली यूज़ करना है, लोवेस्ट बजट है, तो आप XT30 पर जा सकते हैं। XT30 अराउंड 70,000 से 80,000 तक के अमाउंट के बीच में आता है, बट सबसे अच्छी बात है कि इसके साथ जो किट लेंस है वो 18-55 mm का किट लेंस है, और एक और जो किट आता है वो आता है 18-135 के साथ। इन सब का अलग अलग रेट है, हालांकि हम आपको आज बताते हैं कि XT30 कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले सर, XT30 ईजी टू हैंडल है, ईजी टू यूज़ है। इसकी USP जो है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं कि यूनिक सेलिंग पॉइंट है इसकी, वो है, सबसे अच्छी बात है कि APS-C कंप्लीट फीचर्स के साथ ही कैमरा है। मतलब जो हम लोग फुल फ्रेम परचेस करते हैं, फुल फ्रेम में हमें फ़ीचर्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम उन्हें फुल फ्रेम कहकर कैमरे परचेज़ करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि APS-C आपको दिया जा रहा है, प्लस फुल फ्रेम के जो फीचर्स हैं वो इसमें इनबिल्ट है। तो ओवरऑल क्या है कि ये आपका कंप्लीट कैमरा कह सकते हैं, हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और वेडिंग में हमें नहीं लगता कि APS-C से ऊपर किसी की नीड होती है। एनीवे, उसके बारे में बात करेंगे हम आगे। अभी क्या है कि फ्यूज़ी का जो लेंस आता है वो वैरायटी ऑफ लेंसेज है, एक्स माउंट लेंस यूज़ होता है, जो गुड होता है, बेटर होता है और बेस्ट माउंट लेंस है इंडस्ट्री में। अभी तक का फ्यूज़ी के पास जो बेस्ट माउंट लेंस है वो एक्स माउंट है, तो वो इसमें दिया गया है। आपके पास ऑप्शन भी हैं बहुत सारे लेंसेज की वैरायटी के, एज़ वेल एज़ इसमें क्या है कि आपके पास गुड मैनुअल कंट्रोलिंग फीचर्स हैं, जो आप एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं कि आपको शटर स्पीड कंट्रोल करना है, अपर्चर कंट्रोल करना है, ISO कंट्रोल करना है, वो आप कर सकते हैं। सेकंड थिंग, एक्सटर्नल हैंडलिंग फीचर्स के साथ साथ सेंसर रीड आउट है, सेंसर रीड आउट इन द सेंस फास्ट रोलिंग शटर जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं आप, एवरी स्क्रीन के लिए यूज़ कर सकते हैं, 4K एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग है, 4K अगर वीडियो की बात करें तो 30 फ्रेम पर सेकेंड है, जो नॉर्मली इतने बजट में कैमरे नहीं दे रहे हैं आजकल, सो इंडस्ट्री में नहीं है। आप 4K HDMI और 10-bit आउटपुट आप रिजल्ट देख सकते हैं, रॉ एंड JPEG है कुछ कैमरों में, जो इंडस्ट्री के बहुत सारे कैमरे हैं जहाँ पर रॉ शूट ही करने को कहा जाता है, JPEG नहीं कहा जाता, बट यहाँ पर JPEG भी वहाँ पर कहा जाता है, बट यहाँ पर क्या है कि रॉ एंड JPEG इक्वली कलर कॉम्बिनेशन देते हैं। तो ओवरऑल आप रॉ पे शूट करो, JPEG पे शूट करो, जो आपकी मर्जी हो। सो इसके अकॉर्डिंग एक USB-C पोर्टिंग चार्जर है,
सी पोर्टिंग जैक है, जो जैक आप डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड हेडफोन के यूज़ के लिए कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आप पावर बैंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं सी पोर्टिंग से तो यूज़ कर सकते हैं। जॉयस्टिक भी एक दिया हुआ है जो आपका फोकसिंग एरिया को सेलेक्ट करने के लिए होता है, जॉयस्टिक वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। मेगापिक्सल आपको बता ही दिया कि 26.1 मेगापिक्सल है, एंड सबसे अच्छी बात है कि 425 ऑटो फोकस पॉइंट हैं। तो 425 ऑटो फोकस पॉइंट इन XT30, इट्स अ वेरी यूनिक USP एक्चुअली। एंड एज वेल एज जो स्क्रीन है इसका, ये फ्लिप हो जाता है, तो हम फ्लिप करके अपना सेल्फ का भी खुद की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, खुद के क्लिक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम XT30 में मिलता है हम लोगों को नॉर्मली। एज वेल एज जो हमारे पास ऑप्शन है डेटा ट्रांसफरिंग का, हम XT30 के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं लाइक वाईफाई के थ्रू। हमें एक ऐप डाउनलोड करना रहता है जो आपका XT30 में यूज़ होता है, फ्यूजी फिल्म का ऐप है, तो उस ऐप के थ्रू हम रीड आउट कर सकते हैं। एंड रेड बैलेंस लेंस आते हैं जो जनरली जनरल लेंसेज हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं कैमरों में। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, आई थिंक 3.5 इंच का जो LCD टच स्क्रीन है वो बहुत ही यूनिक चीज़ है, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं मिलती है कैमरों में नॉर्मली। फिल्म सिमुलेशन का बहुत बड़ा रोल भी है इस कैमरे में, क्योंकि अभी तक फ्यूजी फिल्म जो है फिल्म सिमुलेशन देती है, जहाँ पर कलर्स फ्रेमिंग मिलती है हमें। तो इन सब चीज़ों का हम फ़ायदा उठा सकते हैं XT30 के थ्रू। XT30 एक कह सकते हैं कि बिगनर्स के लिए भी है, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर इंडस्ट्री के बंदों के लिए भी है, एज वेल एज स्ट्रीट भी शूट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल अगर आपके पास बजट है अंडर 1 लाख, देन यू हैव टू गो विद फ्यूजी फिल्म XT30। सो ये आज का था, और कल हम नए सेट के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करिए। जो भी हमसे गलतियां हुई हों फिर से मैं सुधारने की कोशिश करूँगा उसको, और कोशिश करूँगा कि फ्यूजी के और भी जो कैमरे हैं उनके बारे में मैं बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ, और जो कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसके थ्रू हम आप, और लास्ट में आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, बेल आइकन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, नमस्कार।